नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के एडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज हम उसका 12th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एडीएम एंड फ्रेजेस शब्दों के साथ खेलना, मतलब शब्दों का मतलब कुछ और होता है, जब एक कंबाइन होकर सामने आ जाते हैं तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। दोस्तों, एडीएम एंड फ्रेजेस मैं आपको करवाऊंगा विद ट्रिक के साथ, जो आप एक बार देख पढ़ोगे और जब आपके सामने चार ऑप्शन आएंगी तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी इसका आंसर इजीली ये हो सकता है। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सके, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में और इससे पहले 11 वीडियो में मैंने सेल्फ टेस्ट लिए हैं, हर वीडियो में सेल्फ टेस्ट रखे हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आप में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है। मैं पहले भी कहता हूं दोस्तों, 11 वीडियो आ चुकी हैं, मतलब कि जो एडीएम एंड फ्रेजेस होते हैं दोस्तों वही एग्जाम में घूमते हैं। एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम की तैयारी करके जाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। सो प्लीज बी केयरफुल, लेक्चर सुनिए। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पीपीएससी कोर्स, जैसे पटवारी का कोर्स, जैसे मास्टर कैडर का कोर्स, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से, उस चैनल में हम आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन देते रहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ये ऑरेंज कलर का लोगो है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं एडीएम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट एडीएम है मेक हेडवे। मेक हेडवे इसका मतलब होता है प्रगति करना, मतलब कुछ प्रमोट करना, कुछ प्रोसेस में होना, मतलब कुछ प्रोग्रेस में होना, मतलब एक स्थान से आप उच्च स्थान पर जा रहे हो, मतलब प्रगति कर रहे हो। मेक हेडवे मतलब प्रगति करना। इंग्लिश में देखिए टू डू प्रोग्रेस, टू डू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब भी प्रगति ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज मेड अ हेडवे इन द फील्ड ऑफ साइंस। इंडिया हैज मेड अ हेडवे इन द फील्ड ऑफ साइंस, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये तो है पर ये काफी पर्सनों की मेहनत की वजह से ये खड़ा कर रहे हैं, मतलब ये चीज इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये चीज इसके साथ अटैच हो जाएगी, मतलब काम को फैला दिया जाएगा, काम में प्रगति हो जाएगी, काम को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब प्रोग्रेस कर दिया जाएगा। मेक हेडवे मतलब प्रगति करना, कुछ प्रोग्रेस करना। नेक्स्ट है टेक अ डिम व्यू ऑफ। टेक अ डिम व्यू ऑफ इसका मतलब है घास नहीं डालना या किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। घास ना डालना, जो हम बोल सकते हैं घास ना डालना, मतलब किसी की तरफ देखना भी नहीं, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं किसी को रिजेक्ट कर देना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, डिस अप्रूव ऑफ समथिंग, डिस अप्रूव ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड फादर टेक अ डिम व्यू ऑफ द न्यू लॉ। माई ग्रैंड फादर टेक्स अ डिम व्यू ऑफ द न्यू लॉ, मतलब जो न्यू लॉ बना है मेरे दादाजी उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, मतलब उसको लेटर पे रिजेक्ट की स्टैंप लगाकर दे रहे हैं, मतलब वह रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए वह उदास है। मतलब डिम अ टेक, टेक अ डिम व्यू ऑफ मतलब रिजेक्ट कर देना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, डिम मतलब दोस्तों जहाँ पे रोशनी कम होती है वहाँ पे डिम होता है, मतलब यहाँ पे कम रोशनी होती है हम उसे डिम में यूज कर सकते हैं, मतलब कम रोशनी वाली चीज किसी को स्वीकार ही नहीं होती, तो हम रिलेट कर सकते हैं टेक अ डिम व्यू ऑफ, मतलब किसी चीज को स्वीकार ना करना या रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है मेक ऑफ विद समथिंग। मेक ऑफ विद समथिंग इसका मतलब होता है कुछ चुराना, मतलब स्टील समथिंग। इंग्लिश में देखिए टू स्टील समथिंग, मेक ऑफ विद समथिंग मतलब कुछ चुराना। एग्जाम्पल देखिए, समबडी ब्रोक इनटू द शॉप एंड मेड ऑफ विद सेवरल टीवीएस। समबडी ब्रोक इनटू द शॉप एंड मेड ऑफ विद सेवरल टीवीएस, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कुछ चोर है, मतलब वो पाइप्स चुरा कर जा रहे हैं, सामान चुरा कर जा रहे हैं, मतलब कुछ चुराना। मेक ऑफ विद समथिंग मतलब कुछ चुराना, टू स्टील समथिंग। नेक्स्ट है टॉक समवन राउंड। टॉक समवन राउंड का मतलब होता है राजी करने की कोशिश करना,
किसी को मनाने की लगातार कंटिन्यूस कोशिश करते रहना। एग्जाम्पल इंग्लिश मतलब देखिए क्या होगा, ब्रिंग समवन टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू टॉकिंग एंड परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना। ब्रिंग समवन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बाय टॉकिंग एंड परसुएड, मनाना। एग्जाम्पल देखिए, यू कुड नेवर टॉक हिम राउंड, ही वॉज वेरी डिसाइडेड। यू कुड नेवर टॉक हिम राउंड, आप उसे मना नहीं सकते क्योंकि वह डिसाइड, निश्चय कर चुका है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है मान नहीं रहा और दूसरा जो शांति में खड़ा है वह पर्सन उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है। टॉक समवन राउंड मतलब किसी को राजी करने की कोशिश करना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, कोई पर्सन है वह खड़ा है, उसके राउंड घूमना मतलब कुछ मनाने की कोशिश करना। दोस्तों जब हम कभी मंदिरों में कभी टेम्पलों में जाते हैं तो क्या होता है, हम उसकी परिक्रमा करते हैं, मंदिर या टेम्पल की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, मतलब अपनी खुशी से भी करते हैं, पर मोस्टली लोग किसी को मतलब दुख काट कर भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं। टू टेक समवन राउंड मतलब राजी करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मेक समवन आउट, मेक समवन आउट इसका मतलब होता है समझाना। मेक समवन आउट मतलब कुछ समझाना, इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट मेक आउट दिस लेटर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई माता है मतलब अपने बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश कर रही है भी इस लॉकडाउन के दौरान आप बाहर मत जाइए। मेक समवन आउट मतलब किसी को कुछ समझाना, मेक समवन आउट समझाना। नेक्स्ट है थिक एज थीव्स, थिक एंड थीव्स इसका मतलब है घनिष्ठ मित्र, पक्का मित्र जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इंग्लिश में कहेंगे इंटीमेट क्लोज नाइट, इंटीमेट एंड क्लोज नाइट मतलब बहुत ही पक्का मित्र जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है परेशानियों के दौर में। एग्जाम्पल देखिए, अलान एंड जॉन अटेंडेड अ बोर्डिंग स्कूल टुगेदर एंड वेयर थिक एज थीव। अलान एंड जॉन अटेंडेड अ बोर्डिंग स्कूल टुगेदर एंड वेयर थिक एज थीव्स। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये चारों की दोस्ती है और ये चारों में से ये जो फोर्थ पर्सन है, जो तीसरा पर्सन है, उसको खींचने की कोशिश में दो पर्सनों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मतलब वह घनिष्ठ मित्र एक मिसाल दे रहे हैं घनिष्ठ मित्र को बचाने की। थिक एंड थीव्स मतलब कुछ प्यारा घनिष्ठ पक्का मित्र। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स मतलब होता है बहुतायत व्यक्तित्व, मतलब एक आदमी की बहुत सी पर्सनैलिटी होना, एक आदमी में बहुत सी पर्सनैलिटी होना, मैन ऑफ पार्ट्स मतलब। अगर मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पहले इंग्लिश में देखिए क्या होगा, मल्टी स्पेशलिटी पर्सनैलिटी मतलब किसी आदमी में मल्टी स्पेशल बहुत सी पर्सनैलिटी होना। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, सर APJ अब्दुल कलाम इज द मैन ऑफ पार्ट, ही इज नॉट ओनली स्टेट्समैन बट आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट। जैसे आप जानते हैं अपने हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे APJ अब्दुल कलाम, उनका भी अंतकाल हो चुका है। मतलब वह एक स्टेटमैन ही नहीं, एक ग्रेट साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। उनमें मल्टी टैलेंटेड थे, पर्सनैलिटियाँ बहुत थी। इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कोई मतलब इसकी पिक अलग है, इसकी अलग है, इसका फेस सिंबल अलग है, इसका अलग, मतलब कि सबका फेस सिंबल अलग अलग है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे किसी एक पर्सन की इतनी पर्सनैलिटी हो सकती है। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब बहुत सारी पर्सनैलिटी होना किसी के भीतर, किसी के अंदर। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मतलब मैन ऑफ पार्ट्स मतलब बंदे पर्सन के अंदर जो जो पार्ट्स हैं उस तरह की पर्सनैलिटी होना, मतलब बहुत से अंदर मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी का होना। नेक्स्ट है टू पिक होल इन इसका मतलब होता है दोष निकालना, टू मेक फाइंड फॉल्ट हम फॉल्ट मतलब कोई दोष निकालना, टू फाइंड द वीक पॉइंट इंग्लिश में कहेंगे हम फॉल्ट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगी, सम पीपल माइट चूज टू पिक होल इन दिस फोटो। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये दो पर्सनों की डिबेट मतलब बहस हो रही है
और जो सेकंड पर्सन है वह फर्स्ट पर्सन को उसमें कुछ ना कुछ दोष निकालते जा रहा है। वह पहला पर्सन सोच रहा है भी मेरा क्या दोष है, और दूसरा पर्सन लगातार उसमें दोष निकालते जा रहा है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, टू पिक होल इन। टू पिक होल मतलब किसी में बुराइयां ढूंढना या छेद निकालना, मतलब किसी में दोष निकालना। टू पिक होल इन मतलब किसी में दोष निकालना। नेक्स्ट है मुआवे आउट। मुआवे आउट इसका मतलब होता है बाहर निकालना या खाली करना। जैसे कोई दुकान होती है उसको खाली करते हैं, जब किसी को हम बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, मुआवे आउट इंग्लिश में कहेंगे। वैसे एग्जांपल देखिए, द क्राउड स्टार्टेड टू मुआवे आउट ऑफ द एरिया अबाउट मिडनाइट। द क्राउड स्टार्टेड टू मुआवे आउट ऑफ द एरिया अबाउट मिडनाइट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये दिल्ली का कोई सीन था। कुछ जानकारी के अनुसार पता लगा था अभी कुछ टाइम के लिए यह इलाका खाली करना होगा, तो सभी तो पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट कर दी थी सभी गाड़ियों को मुआवे आउट कर दिया जाएगा, सभी गाड़ियों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। मतलब मुआवे आउट करना मतलब यहां से बाहर निकालना या रास्ता खाली करना। नेक्स्ट है डोंकी ईयर्स। डोंकी ईयर्स इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा समय, बहुत लंबा समय, अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंग्लिश में कहेंगे वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वेजिटेरियन फॉर डोंकी ईयर्स। आई हैव बीन वेजिटेरियन, मैं बहुत से लंबे समय से मतलब वेजिटेरियन मतलब शुद्ध शाकाहारी हूँ। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब इसके हाथ का दर्द, और दर्द तो है साथ साथ रेडिश ये शो कर रही है, यह दर्द काफ़ी समय से इसके साथ था और जो आज बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या होगा, डोंकीज ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा समय से। नेक्स्ट है मीन बिजनेस। मीन बिजनेस का मतलब होता है गंभीर एंड दृढ़ करना, गंभीर एंड दृढ़ करना। इंग्लिश में कहेंगे बी सीरियस। फिर से ये बी सीरियस तो एक मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब देखिए, टू बी सीरियस अबाउट व्हाट वन इज प्रोमिसिंग और प्रपोजिंग टू डू। टू बी सीरियस व्हाट अबाउट वन इज प्रमोसिंग एंड प्रपोजिंग टू डू। प्रमोसिंग एंड प्रपोजिंग टू डू। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर साउंडेड लाइक द मीन बिजनेस। द मैनेजर साउंडेड लाइक शी मीन बिजनेस, सो यू बेटर कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द मैनेजर साउंडेड लाइक शी मीन बिजनेस, सो यू बेटर कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब वह कोई काम को देखकर मतलब गंभीर हो गई है, मतलब दृढ़ हो चुकी है कोई काम को लेकर। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे मन में कई ऐसी बातें लग जाती हैं जो हमें कब कह देता है भी आप ये काम कर ही नहीं सकते, तो हम उसे कोशिश करते हैं गंभीर और सीरियस काम करने की, जो हम उसे करके दिखाते हैं। मीन बिजनेस मतलब गंभीर एंड दृढ़ करना। नेक्स्ट है रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट इसका मतलब था मुखिया होना, मतलब कोई एक पर्सन जो सब जगह रूल कर रहा है, किसी एक चीज का मुखिया होना। इंग्लिश में कहेंगे टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। रूल द रोस्ट मतलब मुखिया होना। एग्जाम्पल देखिए, टूडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रोस्ट हैंड आउट द जॉब्स। टूडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रोस्ट एंड हैंड आउट द जॉब। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये तीन प्रमुख पर्सन है, मतलब ये एयर, ये हमारे फौज मिलिट्री के, और ये नेवी के, मतलब ये तीनों अलग अलग हमारे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष या मेन मुखिया कह सकते हैं। ये तीनों एक साथ बैठे हैं, मतलब तीनों ही मुखिया हैं। इन तीनों के ऊपर जो मुखिया होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है मीट हाफ वे। मीट हाफ वे इसका मतलब होता है समझौता करना। समझौता तो करना अक्सर एक शर्त पर और अपनी असहमति से, समझौता करना किसी शर्त पर अपनी असहमति से। इंग्लिश में देखिए, टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करना। टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन ऑफन इन एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। टू कॉम्प्रोमाइज एंड सेकंड मतलब देखिए, टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन ऑफन इन एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, I will agree to some of your request if you will meet the halfway
एंड अलाउ मी टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ माई आइडियाज। आई विल एग्री टू सम ऑफ योर रिक्वेस्ट इफ यू विल मीट मी हाफ वे एंड अलाउ मी टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ माई आइडियाज। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह पर्सन समझौता करने के लिए मतलब साइन कर रहा है, आप इसे एक असाइनमेंट मान सकते हैं, पर कैलकुलेट करने के हिसाब से उसे पता लगा भी कुछ गड़बड़ी है, फिर भी ना चाहते हुए उसने काम को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर मतलब अपने साइन कर दिए। मीट हाफ वे मतलब मिलना आधे तरीके से, पूरे तरीके से मतलब खुश मिजाज से नहीं मिलना, मतलब इसमें मैं अगर ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मीट मतलब मिलना, हाफ वे मतलब अधूरे तरीके से, अधूरे तरीके से मिलना, मैं किसी के साथ पूरे तरीके से तब मिलूंगा जब मेरी सहमति होगी, जब मेरा मन खुश होगा, हाफ तरीके से मैं तब मिलूंगा अगर मेरी सहमति नहीं होगी, जब मुझे प्रेशराइज किया जाएगा। मीट हाफ वे मतलब समझौता करना पर किसी शर्त पे और अपनी असहमति से। नेक्स्ट है फील वंस प्लस पल्स, फील वंस पल्स, इसका मतलब है किसी के विचार जानना, किसी के मन की बात जानना, किसी के विचार जानना। इंग्लिश में कहेंगे टू फील वट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, टू फील वट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। सेंटेंस देखिए, ट्राई टू फील द पल्स ऑफ द क्राउड इफ दे सीम बोर्ड प्ले सम मोर अपबीट सॉन्ग। एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों अभी पंजाब में मतलब ये कृषि किसानों का धरना चल रहा है, मतलब सरकार को हम बोल सकते हैं भी उनके विचार को जानना चाहिए। फिर से देखिए, ट्राई टू फील द पल्स ऑफ द क्राउड इफ दे सीम बोर्ड प्ले सम मोर अपबीट सॉन्ग। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब वे इतने घनिष्ठ, इतने पक्के मित्र हैं, वे एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं बिना बोले, वे उसे बोलने से पहले वह दूसरे की मन की बात जान जाते हैं। सही, वाकई में दोस्तों रिलेशन भी ऐसे ही होना चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं भी, वो हमारे बातों को जानना चाहें, तो ये रिलेशन सबसे बेस्ट होगा। फील वंस पल्स मतलब किसी के विचारों को जानना, नेक्स्ट है मकअप, मकअप का मतलब होता है गंदगी, या कहेंगे कुछ खराब तरह से करना या लक्ष्य प्राप्त करने में विफल होना, कुछ ऐसे घटिया तरीके से करना या कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो जाना, दोनों मतलब हम बोल सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखिए तो क्या होगा, टू डू समथिंग बैडली एंड फेल टू अचीव गोल, टू डू समथिंग बैडली एंड फेल टू अचीव गोल। एग्जाम्पल देखिए, रिंकू वेंट टू अ जॉब इंटरव्यू टूडे एंड ही थिंक्स ही मग्ड इट अप बिगन नर्वस, बींग नर्वस। रिंकू वेंट टू अ जॉब इंटरव्यू टूडे एंड ही थिंक्स ही मग्ड इट अप बींग नर्वस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोरोना ने इतनी गंदगी फैलाई भी, बंदों का, इंसानों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और कई पर्सन जो इस साल मतलब सक्सेस होने वाले थे वह असफल हो गए, वह फेलियर हो गए इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। मेक अप विद, आई होप दोस्तों आपको अच्छी समझ लग चुका होगा, मक अप विद मतलब गंदगी या कुछ खराब तरीके से करना जिससे आपका लक्ष्य पार करने विफल हो जाना, मतलब आपका फेल हो जाना। नेक्स्ट है मैस अबाउट, जहां मैस अराउंड भी बोल सकते हैं, मैस अबाउट या मैस अराउंड, इसका मतलब होता है एक मूर्ख या चंचल तरीके से व्यवहार करना। चंचल तरीका दोस्तों जो बचपना होता है, बचपना चंचल तरीका, हम बचपने तरीकों को बोल सकते हैं, एक मूर्ख या चंचल तरीके से व्यवहार करना। इंग्लिश में देखिए, बिहेव इन अ सिली और प्लेफुल वे, सिली होता है पागल की तरह, पागलों की तरह, प्लेफुल मतलब बच्चों की तरह, बिहेव इन अ सिली और प्लेफुल वे। एग्जाम्पल देखिए, फ्यू लास्ट मिनट चेंजेस मैस अराउंड योर ड्रीम ट्रिप, फ्यू लास्ट मिनट चेंजेस मेस्ट अराउंड अवर ड्रीम ट्रिप। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये इनकी आप इंचार्ज या कोई गाइडेंस लगा लीजिए, गाइडर लगा लीजिए, ये अपनी हरकतों से बच्चों का मन बहला रही है, मतलब अपने पागलों जैसी हरकत और बचपन तरीके की हरकतों से बच्चों का मन बहलाने की कोशिश कर रही है। मैस अबाउट या मैस अराउंड का मतलब एक मूर्ख या चंचल तरीके से व्यवहार करना। काफ़ी टाइम क्या होता है दोस्तों, हम बच्चों के साथ एक चंचल तरीके से व्यवहार करते हैं, जब वह मतलब बोलते हैं उसी तरह से व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है मिस आउट, मिस आउट का मतलब होता है कुछ करने या अनुभव कराने का अवसर खोना, मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, अपना जो चांस है, उसे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे खो देना,
चांस को खो देना। इंग्लिश में कहेंगे टू लूज द चांस और अपॉर्चुनिटी टू डू एक्सपीरियंस समथिंग, मतलब हमें पता है हम इसमें अच्छा कर सकते थे पर फिर भी हमने चांस खो दिया, या हमने मतलब अपना अनुभव करने का अवसर कुछ खो दिया, किसी को कुछ साबित करने का चांस खो दिया। टू लूज द चांस और अपॉर्चुनिटी टू डू और एक्सपीरियंस समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई वॉज सो सिक लास्ट वीक आई मिस्ड आउट ऑन द चांस टू सी माई सिस्टर व्हाइल शी वॉज इन टाउन। फिर से देखिए, बिकॉज आई वॉज सो सिक, मैं बहुत बीमार था, लास्ट वीक आई मिस्ड आउट ऑन द चांस टू सी माई सिस्टर व्हाइल शी वॉज इन टाउन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोरोना की वजह से जो व्यापारी अपने शिखर पर थे, अपने व्यापार को शिखर पर ले जाना चाहते थे, लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे नीचे गिर गए। अच्छे अच्छों की हालत खराब हो चुकी है इस लॉकडाउन में। मिस आउट का मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कुछ करने या अनुभव कराने का अवसर खो देना। नेक्स्ट है दोस्तों, मूव इन ऑन। मूव इन ऑन इसका मतलब होता है संपर्क करना, विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए। मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ, इमेज में आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इंग्लिश मतलब देखिए। अप्रोच स्पेशली सो एज टू टेक एक्शन, अप्रोच स्पेशली सो एज टू टेक एक्शन। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आर बिगनिंग टू मूव ऑन देयर प्रिंसिपल सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक, शक के दायरे में। द पुलिस आर बिगनिंग टू मूव इन ऑन देयर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है दोस्तों सिद्धांत, एंड सस्पेक्ट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब पुलिस वाला किसी को कार्रवाई करने के लिए घर मतलब अपने पुलिस स्टेशन बुला रहा है। दोस्तों जैसे क्या होता है, जैसे कोई बंदा जेल में गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, रिपोर्ट लिखाने के बाद जब पुलिस उसको छानबीन करेगी, कार्रवाई करेगी, जिस जिस पर उसको शक होगा या जिस जिसका नाम उसने लिया होगा, तो उनको पुलिस कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से संपर्क करेगी और अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाएगी। तो हम बोल सकते हैं ऐसे मूव इन ऑन को हम रिलेट कर सकते हैं संपर्क करना, विशेष रूप से तब जहां पे कोई कार्रवाई करनी हो। मूव इन ऑन मतलब संपर्क करना। नेक्स्ट है मम्स द वर्ड। मम्स द वर्ड इसका मतलब होता है चुप्पी साधना। मम्स द वर्ड मतलब चुप्पी साधना। मीनिंग इंग्लिश मीनिंग देखिए क्या होगा, टू कीप समथिंग सीक्रेट, टू कीप समथिंग सीक्रेट। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल द सरप्राइज फॉर द लिटिल बॉय सो प्लीज टेल एवरी वन दैट मम्स द वर्ड। फिर से देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल द सरप्राइज फॉर द लिटिल बॉय सो प्लीज टेल एवरी वन दैट मम्स द वर्ड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब यह कोई पर्सन है, मतलब मुंह पर उंगली रख रहा है, मतलब चुप रहने का, चुप्पी साधने का इशारा किसी को कर रहा है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मम्स को हम मम्मी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब मम्मी हमें बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पिता के सामने चुप्पी साध लेती है, मतलब चुप हो जाती है। मम्स द वर्ड मतलब चुप्पी साधना। नेक्स्ट है मल ओवर। मल ओवर इसका मतलब होता है निर्णय लेने से पहले कुछ विचार करना। दोस्तों मल ओवर थी, मल ओवर की जो क्वालिटी है हर इंसान में होनी चाहिए, मतलब निर्णय लेने से पहले विचार करना। इंग्लिश में क्या होगा, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, अपने निर्णय लेने से पहले कुछ विचार करना। एग्जाम्पल देखिए, बिफोर डिसाइडिंग विच जॉब टू एक्सेप्ट शी सेड शी नीडेड अ कपल ऑफ डेज टू मल ओवर हर ऑप्शन। फिर से देखिए, बिफोर डिसाइडिंग विच जॉब टू एक्सेप्ट शी सेड शी नीडेड ए कपल ऑफ डेज टू मल ओवर हर ऑप्शन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, उसके सामने तीन विकल्प हैं, तीन रास्ते हैं, वो कन्फ्यूज है कहाँ पे जाए। एक हिंदी में बहुत बहुत अच्छा ये दे रखा है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। सही निर्णय मतलब लेना फैसला निर्णय के क्षणों में ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात कही है चाणक्य की लिखी हुई बात है, निर्णय के क्षणों में ही आपका आपके भाग्य का निर्माण होता है। मतलब दोस्तों कुछ काम करने से पहले हमें रिजल्ट ढूंढ लेने चाहिए, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। मल ओवर मतलब निर्णय लेने से पहले कुछ विचार करना, ये काम सही है या गलत है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ मैंने कहा था मतलब फ्रेजल वर्ब जो स्टार्टिंग में मतलब कुछ और होता है, मैं दो ही लेकर आया हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग में जो हमने लास्ट टाइम किया था लुक के बिहा पे जो वर्ड थे, यहाँ पे एक्ट के बिहा पे हैं,
मतलब एक्ट का मतलब तो होता है जो भी होता है, उसके साथ जो प्रेपोजिशन लग जाती है उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। दोस्तों ये चीज़ें आपको काम आएंगी पैराजंबल या पैसेज में, जिसे आपको अगर इसका मतलब आपको पता होगा, इन चीज़ों का मतलब पता होगा, तो आप इजिली ऑप्शन में से आंसर ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आप गलत टिक करोगे ही करोगे। देखिए फर्स्ट फ्रेजल वर्ब एक्ट अप, एक्ट अप मतलब इसका मतलब होता है मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना। एक्ट अप मतलब, एक्ट का मतलब होता है कोई कुछ करना, एक्ट अप का मतलब कुछ दुर्व्यवहार करना। अगर हम कहेंगे इसका दूसरा मतलब हम किस चीज में रिलेट कर सकते हैं, नॉट वर्क प्रॉपरली मतलब सही काम, सही से काम ना करना। हम किसी को बोल सकते हैं यू भी मतलब आप सही से काम नहीं कर रहे, एक्ट अप, आप एक्ट अप हो, आप सही से काम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी सीटर हैड अ डिफिकल्ट टाइम, द बेबी सीटर हैड अ डिफिकल्ट टाइम, द चिल्ड्रन एक्ट अप ऑल इवनिंग, द बेबी सीटर हैड अ डिफिकल्ट टाइम, द चिल्ड्रन एक्ट अप ऑल इवनिंग। अगला देखिए एक्ट लाइक, एक्ट लाइक इसका मतलब होता है एक तरह से व्यवहार करते जाना। एक्ट लाइक मतलब दोस्तों जैसे हम ऐसे कोई पर्सन के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों बुरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर सिर पर ज़्यादा चढ़ जाए तो बुरा व्यवहार करने में कोई परेशानी नहीं है। एक्ट लाइक मतलब अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना, मतलब किसी एक तरह से व्यवहार करते रहना। बिहेव इन वे दैट्स लाइक मतलब एक तरीके से व्यवहार करते रहना, अच्छा है तो अच्छा हो, मतलब बुरा है तो बुरा। एग्जाम्पल देखिए व्हाट्स रॉन्ग विद बॉब, व्हाट्स रॉन्ग विद बॉब, ही इज एक्ट लाइक एन इडियट, व्हाट्स रॉन्ग विद बॉब, ही इज एक्टिंग लाइक एन इडियट। एक्ट अप का मतलब तो हो गया दोस्तों दुर्व्यवहार करना या सही से काम ना करना। एक्ट लाइक यहाँ पे लाइक आ गया और यहाँ पे अप था, अप तो होगा दुर्व्यवहार करना, लाइक का मतलब होगा एक तरह से व्यवहार करते रहना। दोस्तों आपके लिए सेल्फ टेस्ट जो मैंने कहा था हर वीडियो में लास्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा, जो बिहाफ होगा पिछली वीडियो के आधार पर, जो दोस्तों इससे पहले 11 वीडियो आ चुकी हैं प्लीज़ उसे जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ वही हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आई हुई हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब आपको रियलाइज होगा भी आपने क्या बेनिफिट, आपको क्या बेनिफिट मिला है। जैसे मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मुझे याद है इस चीज में मैंने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज लगाई थी, तो बताइए जल्दी से, कोशिश कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, कमेंट करके जल्दी बताइए। इतने में आपको मतलब समझा देता हूं, टू से समथिंग इन फ्रैंक मतलब कुछ हिचकिचाहट ना रखना, कुछ भी मुंह पर फ्रैंकली बोल देना। टू गिव फॉल्स अलार्म कुछ गलत संकेत, कुछ गलत अलार्म का संकेत। हार्ट ऑफ द प्रे मतलब दिल से प्रे किया गया। एमलेसली मतलब जिसका कोई एम नहीं है। आई हेट दोज पर्सन विच हैव नॉट एम मतलब जो पर्सनों का एम नहीं होता मुझे सख्त नफरत है उनसे। तो बताइए, चलो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, अगर दोस्तों आपने आंसर ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी सी डी वाले बिल्कुल ही गलत है। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब कुछ हिचकिचाहट मन में ना रहना, जो बोलना है सामने बी फ्रैंक सामने ही बोलना है। टू से समथिंग इन अ फ्रैंक। नेक्स्ट है मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, बताइए दोस्तों इसका क्या मतलब होगा, 10 सेकंड आपके पास, मैं मतलब समझाता हूँ। टू एम्फिसाइज शर्मिंदा होना, फील फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ होना, लीव छोड़ देना, इम्पॉसिबल मतलब कुछ पॉसिबल ना होना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, अगर दोस्तों आपने आंसर ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, शर्मिंदा होना नहीं, लीव होना भी नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर आपने बी आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मेक वंस ब्लड रन कोल्ड मतलब कुछ भयभीत हो जाना, कुछ डरा हुआ फील करना। मुझे याद है लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें जो ये सेंटेंस आया था उसके साथ ही एक पिक्चर थी जो एक मकड़ी लटकी हुई थी और एक बच्चा उसे देखकर डर रहा था। मेक्स वंस ब्लड रन कोल्ड मतलब फील फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ महसूस करना। नेक्स्ट है कैरिड ऑफ हिज फीट,
कैरिड ऑफ हिज फीट, द सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कैरिड ऑफ हिज फीट। मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, मतलब हर तरीके का, हर तरीके से मतलब ट्राई करना, पॉसिबल भी ये काम पॉसिबल हो जाए, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, परेशानी भरा, मुश्किलें मतलब बड़ी समस्याएं, टू फिल विद एंथुजियाज्म, मतलब जोशीला, जोश से भरना, उत्साह से भरा हुआ, जोशीला एंड उत्साह से भरा हुआ, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, बताइए क्या आंसर होगा, क्राइड ऑफ हिज फीट। मैंने एग्जांपल के साथ बताया था भी, बंदे में जब उत्सुकता होती है, जब वह जोशीला होता है, तो उसके पांव धरती पर नहीं लगते, उसके पांव धरती पर नहीं लगते, बताइए इसका आंसर क्या था। अगर आपने ए बी या डी लगाया, आपके तीनों आंसर, ये तीनों वाले गलत हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्राइड ऑफ हिज फीट, मतलब मैं हिंट भी दे रहा हूँ, अगर हमें उत्सुकता होती है, जोशी जो उत्साह जो जोश होता है, तो हमारे पांव धरती पर नहीं लगते, तो इसका मतलब क्या होगा, क्राइड ऑफ हिज फीट मतलब फिल विद एन एंथुजियाज्म, मतलब जोश से भरना। नेक्स्ट है कैरी समवन अवे, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 10 सेकंड है, कैरी समवन अवे, मैं इतने आपको ऑप्शनों के मतलब समझाता हूँ, कॉन्फिडेंट पर्सन मतलब जिसमें कॉन्फिडेंट है, अ वेल्थी मैन मतलब जो अमीर है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो खर्चीला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो खर्चीला है, जो पर्सन अमीर है, वेल्थी मैन दोस्तों उसका था मीन ऑफ, जो आया था मैन ऑफ मीन, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, चलो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, डी ऑप्शन देखिए, फिल विद इमोशंस, इमोशन से भरा होना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कॉन्फिडेंट पर्सन, वेल्थी मैन तो हो ही नहीं सकता, चलो मैंने बता दिया, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, फिल विद इमोशंस। दोस्तों अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए बी सी वाले बिल्कुल गलत है, कैरी समवन अवे मतलब इमोशन से मतलब भरपूर भरा होना, फीलिंग से कुछ भरा होना। आई होप दोस्तों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।